अनाया फातिमा वेलफेयर ट्रस्ट तत्वानी के ज़ेर एहतमाम 100 से ज़ायद तत्वानी और मज़ाफ़ात के मसाई ख़ानदानों में ईद फूड पैकेज तकसीम करने के सिलसिले में दुइया तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में सुल्तानिया मार्केट के सदर सरदार अब्दुल वहीद, मलक मोहम्मद सलीम, डॉक्टर मोहम्मद जवेद, नसीम मलक ने शिरकत की। इस मौका पर अनाया फातिमा वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरमैन इंजीनियर अदील मलिक, डॉक्टर मोहम्मद जवेद और सरदार अब्दुल वहीद ने के न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज मोरहा 8 मई को अनाया फातिमा वेलफेयर फाउंडेशन तत्वानी की तरफ से 100 से ज़ायद गरीब मुस्ताहिक खानदानों को जो फूड पैकेज दिया जा रहा है, मैं अल्लाह ताला से दुआगो हूँ हमारी इस ट्रस्ट को दिन ब दिन गरीब लोगों की मदद करने का हौसला दे, तौफीक दे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों की मदद कर सकें। मैं अपने इलाके के तमाम लोगों का मशकूर हूँ जो अनाया फातिमा वेलफेयर फाउंडेशन में हिस्सा लेते हैं, और इसके साथ साथ अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि इस मुश्किल दौर में हम उम्मत मुस्लिमा के लिए और हमारे इलाके में जो भी गरीब लोग हैं, अल्लाह ताला उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए। हम अपनी तरफ से काविश कर रहे हैं ताकि जो भी हमसे बेस्ट हो सकता है हम अपने इलाके के लिए कर रहे हैं। लोग बहुत मुश्किलों में हैं और लोगों से जो जो भी मेरा ये स्पीच सुन रहा है, मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से और ख्वाहिश रखता हूँ अपने इलाके के नौजवानों से कि वो अनाया फातिमा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, इस फाउंडेशन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ताकि हम मिलकर अपने इलाके के लोगों की मुश्किलात में कमी ला सकें। बहुत शुक्रिया साबर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, पीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और जितने भी लोग इस फोरम में हिस्सा लिया है आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अदील साहब ने जो खूबसूरत अमल तकरीबन 2 साल से इन्होंने शुरू कर रखा है, अपनी बेटी जो उनकी वफात पा चुकी थी अनाया फातिमा ट्रस्ट के नाम पर ये गरीब और मुस्कुनों के लिए सदका जारिया रखा हुआ है, अल्लाह ताला इनके इस खूबसूरत अमल को अपने बारगाह में कबूल करे, और जो उनकी बेटी है उनके अल्लाह ताला उनके दराजात में बुलंदियाँ करे, उनको जन्नत अलफरदोस में आला मकाम अता फरमाए, और उस बच्ची की वसादत से जो शहीद हो चुकी है बच्ची, छोटी सी बच्ची थी, फूल जैसी बच्ची थी, उसकी बदल अल्लाह ताला अदील साहब के जो तरक्की है, वो जो उनके आगे अच्छे मंजिलें आ रही हैं, उनके मंजिलों को अच्छे मकाम की तरफ ले जाए, और अदील साहब बहुत अच्छे आला इंसान हैं, हमेशा गरीबों की मदद करते हैं, अल्लाह ताला उनकी ये अमल कबूल करे। उसके बाद अदील साहब मैं समझता हूँ कि सोशल कोई काम हो, समाजी हो, सियासी हो, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, अल्लाह ताला इस खूबसूरत अमल को इनके कबूल करे। वमा अलैना।